हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो ऑलराइट गाइस, यहां पे 200-300 पॉइंट का एक गैप डाउन निफ्टी ने यहां पे देखने के लिए मिला है और बैंक निफ्टी ने करीब करीब 1500 के पास आसपास में कहीं पे गैप डाउन दे दिया था। तो मैंने आपको कल बोला था कि बैंक निफ्टी में मैंने कॉल साइड की पोजिशन बीटीएसटी के लिए फॉलो की थी, लेकिन मैंने आपको दिया नहीं था। ये मैंने बैंक निफ्टी के भी वीडियो में बोला है, क्योंकि दिया नहीं था क्योंकि मुझे डाउटफुल लग रहा था। इसके लिए मैंने निफ्टी का मैंने पुट साइड में एक पोजीशन बाय करके रखा था, लेकिन बैंक निफ्टी का मैंने कॉल साइड में कर दिया क्योंकि मार्केट मुझे एकदम कंफ्यूज लग रहा था। लेकिन निफ्टी ने तो मुझे एक 200 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट ही दे दिया यहाँ पे गैप डाउन ने, लेकिन बैंक निफ्टी ने मुझे एक लॉस दे दिया। मैंने 200 के आसपास में कहीं पे एक ऑप्शन बाय किया था, वो 4-5 रुपए में ओपन हो गया, फिर 10-12 रुपए का हाई लगाया, तो मैंने वहां पे कहीं पे बेच दिया। जाने दो है, वो सब बातें छोड़ दो, ठीक है। जो जेन्युइन बातें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लॉस होता ही है मार्केट में, तो लॉस होगा मार्केट में, आप करोगे ना काम तो आपको लॉस होने ही वाला है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप कितना लेने वाले हो। इसके लिए मैं बोलता हूँ बीटीएसटी उतना ही कैरी करो जितना आप लॉस झेल सको। देखो, अगर कोई आपको बोल रहा होगा ना, यूट्यूबर हो या फिर कोई भी क्लास लेने वाला हो, कोई भी हो, अगर बोल रहा होगा ना मेरे स्ट्रेटेजी से लॉस नहीं होता या फिर मैं लॉस नहीं करता, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर मिलता भी ठीक है, वो लॉस तो मैंने कवर भी कर लिया, ये निफ्टी पे भी मुझे प्रॉफिट मिल गया, वो बात ठीक है, लेकिन जो हुआ हुआ, मैं लॉस हो गया तो मैं खुद बोल रहा हूँ, और जिसमें होने वाला था इसके लिए मैंने आपको दिया नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में 200-300 पॉइंट के आसपास में कहीं पे यहाँ पे गैप डाउन मिल गया, तो यहाँ पे तुरंत एक सपोर्ट था, 650 का एक सपोर्ट है। मैंने आपको पिछली बार कहीं पे यहाँ पे जब मार्केट था तो 11 तारीख के आसपास में कहीं पे आपको बताया था कि ये वाला एक सपोर्ट है करके, तो उसी जगह पे यहाँ पे आके मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मिंग किया, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड नहीं किया, मैं शांत बैठा रहा। वापस एक बार 21,850 का रेजिस्टेंस था, वहाँ पे मैंने नीचे के साइड में एक ट्रेड लिया और बैंक निफ्टी में मैंने लिया था, तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो उसके बाद मैं करीब करीब मैंने कवर करके छोटा सा प्रॉफिट मुझे हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग बंद किया। इसके लिए मैंने फ्री टेलीग्राम पे भी डाला था कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सुबह सुबह इतना ही मूड खराब हो गया था, उसमें मेरा प्रॉफिट भी हो गया, उसमें मेरा लॉस भी कर हो गया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग छोड़ दिया। तो ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे के साइड में डे लो तक मैंने टारगेट यहाँ पे बुक किया। तो देखिए, अभी कल के लिए यहाँ पे निफ्टी का क्या व्यू होना चाहिए, निफ्टी को देखिए अभी संभल के ट्रेड करना है। जो भी क्वांटिटी प्ले करोगे बहुत सोच समझ के करना। लाइफ टाइम हाई के आसपास से मार्केट ने बहुत गिरावट दिया है। अगर आप देखोगे तो 22,500-700 से लेके यहाँ पे 1000 पॉइंट आके निफ्टी क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी आप करीब करीब देख सकते हो तो 2,200-300 के आसपास में कहीं पे बैंक निफ्टी आज जाके क्लोजिंग दिया है। तो देखिए, बहुत सोच समझ के अभी क्वांटिटी आपको प्ले करना है। कल परसों तरसों आपको 2-4 दिन, जब तक निफ्टी का एक्सपायरी निकल नहीं जाता, 2-4 दिन निकल नहीं जाते, तब तक आपको धीरे से शांति से ट्रेड करना है। अभी मंथली भी एक्सपायरी आने वाला है, तो आपको देख के सोच समझ के ट्रेड करना है। तो नीचे के साइड में 21,500 का एक सपोर्ट है, ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 21,500 का एक सपोर्ट है। और ये जो एक मार्केट में जाते जाते एक जोन बना है, इस वाले जोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके अंदर कहीं पे आपको मार्केट कल मिलता है मॉर्निंग में, तो आपको ट्रेड नहीं करना। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे ओपनिंग होकर 500 को नीचे ब्रेक करेगा, तो आप नीचे के साइड में जा सकते हो। ऊपर के साइड में जाना है तो यहाँ से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करेगा तो भी आप जा सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना ऊपर के साइड में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में आया है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकता है। तो जो भी ऊपर के साइड में क्वांटिटी लेना, बहुत कम लेना, और मैं तो बोल रहा हूँ दोनों साइड में क्वांटिटी कम कर दो। आपका अगर कैपिटल बचा रहेगा तब आप बाद में जाके ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। जब तक आपको व्यू क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना, आपको शांत बैठना है। देखिए, ये वाला एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, सॉरी निफ्टी नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक चैनल फॉलो कर रहा है, तो इस चैनल को भी ध्यान में रखना है। इस जब भी इस चैनल को ऊपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद में ये वाला रेंज भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वापस 850 तो है ही, उसके बाद में ये भी है, तो नीचे ऊपर के साइड में कोई व्यू नहीं। अगर मिलता है नीचे के साइड में यहाँ पे ओपनिंग सेटअप, तो नीचे के साइड में ट्रेड करेंगे। ज्यादा गैप डाउन या फिर ज्यादा गैप अप हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा ही नहीं, और ज्यादा गैप अप हो जाएगा, अगर गैप अप मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलता है 21,700 के आसपास में, फिर 850 को ब्रेक करता है, तो मैं ऊपर 22,000 तक जाने के लिए मैं आपको भी बोल सकता हूँ, और मैं भी जाऊँगा, ठीक है। तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फ्री टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना रहेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।